कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, मतलब कैसे हो रहा है यार। मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार, ऐसे कैसे काम। जैसा कि गाइस आपने इस क्लिप में देखा कि इनके चैनल पर 33 लाख सब्सक्राइब होने के बावजूद भी यूट्यूब ने इनके चैनल को कर दिया है डिलीट। 3.3 मिलियन सब्सक्राइब थे इनके चैनल पर। इनके चैनल का नाम मैं बता देता हूं यहाँ पर, इनके चैनल का नाम था बेस्ट हेल्प इन हिंदी। और यह इस चैनल पर 4 साल से बने हुए थे, इनकी 4 साल की मेहनत थी ये, और इनका चैनल इसके बावजूद भी डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे, इनकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस वजह से यूट्यूब ने इनके चैनल को डिलीट किया है, क्या कारण था। आप भी मत करिएगा वो गलती, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात कर लेते हैं इनके चैनल पर, इनका चैनल के साथ हुआ क्या गाइस, यहाँ पर मैं बता दूं, यूट्यूब की तरफ से इनको अचानक मेल आया बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। अचानक इन पर इनको मतलब इनके पास मेल आया और उसमें लिखा हुआ था कि आपने अपने जो चैनल पर कहीं ना कहीं पर सेक्सुअल कंटेंट यूज करने की वजह से आपके चैनल को यूट्यूब की तरफ से डिलीट किया जा रहा है। तो ये भाई अचानक से शोक में आ गए, और इनके जो मेहनत थी, 3.3 मिलियन सब्सक्राइब का इनका परिवार था, वो सब एक ही बार में सब कुछ बर्बाद हो गया। ये यहाँ से लाखों की इनकम भी किया करते थे गाइस, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप सोच सकते हो कि जिस बंदे के 3.3 मिलियन सब्सक्राइब है उसकी इनकम भी बहुत अच्छी होती थी, मतलब अब तो क्या थी लगाएंगे यार। सो गाइज यहाँ पर इन्होंने गलती किया था, वो तो मैंने बता दिया, इन्होंने सेक्सुअल कंटेंट यूज करने की वजह से इनके चैनल को डिलीट कर दिया गया था। अब बात करते हैं इनके दूसरे चैनल की, जिन्होंने जो इन्होंने फिलहाल ही में ही क्रिएट किया है, और उस चैनल को इन्होंने क्रिएट किए लगभग 1 महीना हो गया है, फिर भी इनके चैनल को जो है अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जबकि इनके 3.3 मिलियन सब्सक्राइब थे, तो यार जैसे दूसरा चैनल क्रिएट करते हैं तो लगभग यार 10 लाख सब्सक्राइब तो होने चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक इनके चैनल पर 20,000 सब्सक्राइब ही है। अब वो क्यों है, बात करते हैं कि इन्होंने जो इनका जो चैनल था बेस्ट हेल्प इन हिंदी, उस चैनल पर ये क्या करते थे, विदाउट फेस कैम के साथ वीडियो शूट किया करते थे, और उसमें एडिटिंग के जरिए सारी जानकारी बताया करते थे। अगर उस चैनल पर ये फेस कैम के साथ अगर वीडियो बनाते और फेस कैम के जरिए ये 3.3 मिलियन सब्सक्राइब तक पहुंचते, तो आज शायद इनको सारी जो इनके 3.3 मिलियन सब्सक्राइब है वो शायद इनको जानते कहीं ना कहीं पर, और इनके साथ जुड़े हुए रहते, शक्ल इनकी अगर देख लेते हो तो इनको जानते हो, और जो इन्होंने जो दूसरा चैनल बनाया है अब उस पर आ गए ये फेस कैम के साथ। तो गाइज यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 3.3 मिलियन सब्सक्राइब वाला बंदा भी जो पहले फेस कैम नहीं बनाया करता था, उसने दूसरा जो चैनल क्रिएट कराया अब उस पर आ रहा है फेस कैम के साथ। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो अपने फेस के साथ ही वीडियो शूट किया करे। तो गाइज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो दूसरा चैनल क्रिएट किया है उसका नाम है बेस्ट हेल्प इन हिंदी आफ्टर डिलीट। तो यहाँ पर इन्होंने ये चैनल क्रिएट किया है, अगर आप चाहो तो इनको सपोर्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि इनको सपोर्ट में मनोज दे ने भी एक वीडियो बनाया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो मेरा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस परिवार को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर बेल आइकन तो ऑन कर लीजिए यार।